भाइयों अगर है 83 साल का बुढ़ा जिसका भाई खुद भी शादी नहीं हो रही और परिवार में अगर सही सही तरीके देखा है साहब सिर की बात करा तो कोई भी नहीं है उन्हें संभालन ने इस घर में वो बुढ़ा रो है टोके दिखाऊंगा मैं। गांव वाले का मेरे द्वारा फोन आया कि भाई लो कुछ न्यू बात से कुछ मदद करवा, उस मदद खातिर आज मैं आ रहा हूँ। पहली बार जिंदगी में थारे तक हूँ, मदद की जरूरत है। राम राम भाई सर भाई नाम थारा कुछ देर थारा स्वागत हरियाणा भाईचारा सबका पैरा सब तेरा में। ये बुढ़े खड़े हैं और इनने का साथी लगभग 83 साल की उम्र है। अरे तुम रोहित पीछे जाओ उड़े उड़े जाके देखा इस जगह पे दिखा दे सारा घर है और पीछे नौका दिखा दे यू सारा घर है और भी यो सारा घर उस बुढ़े आदमी का है। अरे उरन दिखा आगे ना वो दिखा ऊपर यो घर इस घर में वो बुढ़ा आदमी रहा है। अरे मतलब टोना पड़ा है हाड़े अगर आगे ना तो टोना पड़ा है वो आदमी है कड़ा है कड़ा असल में। और गांव वाले ना आगे संभाल यो घर है देख लो और पाछे थी बिलाड़ के इस तो पाछे के ताजमहल पाना है यो गेट है वीवीआईपी गेट ठीक है। अगर यो गेट खोलना है तो आड़े यो टांग दिया और जाए बंद कर ये फाटक सी लग रही है या यो है जो कुछ है ठीक है। और मेरे द्वारा इस भाई का फोन आया राजेंद्र का राम राम भाई राम राम इस भाई का फोन आया है एक बार एड्रेस बता दो आड़े का भैया ये गांव बड़ी कुतुपुरा तहसील गनौर जिला सोनीपत है। ये सोनीपत का लास्ट गांव है जिले का। नाम क्या है आपका? राजेंद्र सरोवा जी। एक बार नंबर और बता दो अपना 98131-82-249। भाई यो नंबर है जो भी मदद कर भाई द्वारा फोन कर लियो यो तो मैंने पा जाएगा। अच्छा यो वीवीआईपी गेट है मैंने एक चीज डाली है सरपंच खा गया घर ने। ये इतने लोग खड़े दिखाई दे भाई ये बताओगे सरपंच क्यों कर खा गया घर ने इसके जो मतलब हटा दिया गया ग्लूकोज थोड़ा एक बार रख दियो आप एक बार उठ जाओ तो बढ़िया क्योंकि फिर पंदे कह हो जाओगे आप प्रेरण आ जाओ तो बढ़िया। राम राम ठीक सो हाँ बस ठीक ठाक अपना बुढ़े बुढ़े के ठीक रहा रखने आप तो उरे ना जाओ आप उरे ना जाओ आप उरे ना जाओ भाई यो दादा है जिसका जो लगभग 83 साल की उम्र का है के नाम है जिनका लेना कह अगर अपना गांव में हाथ ना जोड़ो आप हाथ ना जोड़ो नुआ काम चल जाए हाथ मत जोड़ो कते भी हाथ जोड़ के मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ हाथ जोड़ने के नहीं हो मारे बड़े बुजुर्ग हो आप पीछे हो लो थोड़ी बार बार इसने पीछे होना पड़ेगा दादा राम राम ठीक ठाक साजी बड़का ना कद संभाले फिर आके यो पिलर बना रखे इट्टा का यो कड़ी पड़न हो रही है प्रेन लठ लगा का कड़ी अड़ा रखी सोलह प्रेन लठ लगा कड़ी रोक रखी है अगर भाई यो बांस ला दिया पड़ा कोन्या और मतलब आड़े बैठे है ना तो ऊपर कुत्ता भी चढ़ गया या छत दिखा दे छत दिखा दे लकड़ी है पूरी बारिश में टप टप पड़े है दादा के ऊपर 83 साल का बुढ़ा है। दादा आज के क्या है आराम है भाई मैं बता दूं आड़े की वह कंडीशन थी जो आप सोच भी ना सकते इन भाई अरना राजेंद्र अरना आका और जितने भी सारे साथी है ये इन आका आज आका इन संभालिया है यो इन ते पूछेंगे के कंडीशन रही आज इन ने संभाला छ आको घर परिवार में कौन कौन है घर परिवार में उते सारा है काम से हां नहीं अपना मतलब कौन बे में कौन है अपना कौन बे में भाई बताए तेरे के मेरा भाई ही है से भाई के हां ये भी दूर है से दूर है हो दो और ये तो पंचर की दे दूर इससे भी ना चल जा दाना ना ले जाना इसका चोरा बाबा है बेचारा वो भी कटे देखो ये दोनों भाई आपका क्या नाम है दियालाल दियालाल यो इनका लेना और दियालाल ये दो भाई हैं इनका लड़का है इनकी शादी हो रही है ये रंडे बेचारे तीन का शादी नहीं होती ये हैं इनका जो छोरा है वो मंदबुद्धि है वो संभाल नहीं सकता आपने अपना करना भर हो रहा है भाई भी संभालना पड़ रहा है मदद की गुहार है यो गांव की जो लोकेशन है ये नाम है राजेंद्र बड़ी कुतुबपुर गन्नौर हल्का सोनीपत का आखिरी गांव है आड़े तक पानीपत शुरू हो जाए गन्नौर हल्के की विधायक चार पांच दिन पहले आई भी थी बेरानी कुंशे टाके लागे चले जहां बातें के इनने नहीं संभालते इनकी बात का कोई गौर नहीं गांव वाले ने बात भी उठाई आवाज भी उठाई लेकिन कोई गौर नहीं क्यों
क्योंकि इनकी नुबेराई बेचारे अब चल कौड़े थे तो जाया नहीं जा, वोट तो इनकी बिले फिर वह होनी नहीं, नहीं वोट मिलनी तो बोले हमने क्या करना भाई थारा, इनका नेता का वो काम हो रहा है कि मैं सुविधा सरकार की तरफ तो को मिली है ना जी, हमने नहीं कुछ मिलता कुछ नहीं मिलता हमने देखो कोई संभाल क्या चाहो हो चुकर आपकी मेरे तो बात हुई थी आपकी मकान बनना चाहिए हमारे कार्ड पार्ड बनने चाहिए हमने राशन मिल गया हम चीजें दीन की नहीं रह रही हो या फिर कोई संभाल ले इसी संस्था जो संभाल ले को सुनता कौन दो तो हमने संभाल ले नहीं तो मरते रहे हम हाथ उठा ले थोड़ा हाथ नीचे टेक ले संभाल ले मतलब कोई संस्था कोई भी कोई संभाल ले तकिया देख लो कट्टे का तो तकिया लाना पड़ रहा है के करिए अदा चाहिए पर बता टूट गई फूट गई बीमार होने में दवाइयां मनो अपना काम लेना पड़ा रोटी पानी कड़े तो है बस कच्ची पक्की बना लिया करता है ये कोच को दे दिया है बेचारा आराम का सुखी और के क्या आराम का सुखी दे दिया है बेचारा क्यों देखो आज तड़की को लुकोस लाया था इनका दिखाइए ये तड़के ये भाई आए इन संभाले जब यु ग्लूकोस लगाया यो टिका रहा और भीतर की हालत में दिखा दे इनकी जो रसोई है वो पूरा सिस्टम भीतर तो हुआ भाई यो दिखा दे यार रसोई है खुद बोया करते अपने खुद खाया करते और प्रेन प्रेन दिखाया कर देख प्रेन ऊपर ऊपर प्रेन प्रेन परली साइड दिखा यो देखियो टूटा पड़ा है मतलब यह कंडीशन है इनके घर की इनका कुछ नहीं भाई मेरा घर बनवा दो मेरा नू करवा दो और नू करवा दो सिर्फ एक वो है भाई को संभाल लेना 83 साल उम्र थोड़ी ना होंगी और को संभाल लिया अगर इनने तो उसका भी भला हो यार उसका तो इतना हो जाए जिसकी कोई लिमिट नहीं लेकिन इनकी क्या कहूं मतलब रोना वही चीज देख के भाई नीचे ध्यान तय मटका भी कोनी ठीक बात मटका भी कौन दिखाइयो क्या बाल्टिया में तो पानी दे रहा है यो पीण पूर्ण ना पानी है दिखाइए कितना डंगा है इस पानी के भीतर और यो पानी पीना पड़ रहा है इन बुढ़िया ने बेचारे ने कोई इसका पानी ट्यूबल और कुछ नहीं जी भाई शेयर कर दो शर्माणी चाहिए तुमने भी यार इस वीडियो ने भी शेयर कोने कर दे और आड़े भी मदद नहीं पहुंची तो वो भी गलत बात है भाई जिंदगी में पहली बार कह रहे हम मदद की जरूरत है मन्ना मदद की जरूरत है नुलगा का चालियो इन बुढ़िया ने को संभाल ले बेचारे ने बुजुर्ग ने बेचारे ने को संभाल ले ब्राह्मण लाग रहे हैं यार पड़े पड़े अरे यो हालत मतलब यो कोड पर पड़ जाएगा हमारे नु डर हो रहा कदे पढ़ ना जा अरे इतना अगर ऊपर ना उठा दिया तो पंखे बजा लाग जाए पंखे की टॉप स्पीड है यार गर्मी है सब कुछ आड़े गोशे दे रहे हैं जो भी अपने मतलब क्या कंडीशन हो रही है ये दो चार आलू दे रहे आड़े बैब्यू फिर होया नहीं आपका है ना जी कोई नहीं अरे मेरे ख्याल 40-50 साल का भतीजा लियो कभी नहीं हो रहा हाँ जी फिर के करिए बे हाँ किले कले बन रहा है किले कले कुछ नहीं आन रहा आपकी इतनी उम्र होली हम मेरी होगी 92 की 90 हाँ 90 साल के लगभग इनकी उम्र है इनके बड़े भाई की और 83 साल की इनकी उम्र है तुम अंदाजा लगा देख लो इन बड़े भाई का भी करना है कोई नहीं संभालना है खुद अपना कर रहे हैं जो कर रहे हैं चलो भाई और कोई व्यवस्था नहीं संभाल फिलहाल एक ये भाई हैं इनका एक बार राजेंद्र भाई अपना नंबर दोबारा बोल दे 98-13-18-22-49 एक बार फिर कर लो जी 98-13-18-22-49 यो नंबर है मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और भाई इनकी मदद की जरूरत है यो घर फिर दिखा दे रहे शर्म आनी चाहिए इन नेता ना तो अपने आंडा है 50-70 लाख की गाड़िया में और ये इनके हल्के के देख लो कड़े पड़े हैं देवेंद्र कादियान इस हल्के का नहीं है भाई देवेंद्र कादियान जी तभी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा इतना बड़ा मन्नत ग्रुप है आपका और मैं पर्सनली वीडियो भेजूंगा आप तो संभालो कम तक कम आकर ये क्या है कागज भाई ये थोड़ा सबूत था जी जो हल्का विधायक निर्मल रानी आई थी ना उन्होंने हमारे गरीब आदमियों ने लिख के दिया था इसत भाई बीजेपी सरकार बनने के बाद हमने बीपीएल परिवार को बोली को तो पर में एक भी मकान नहीं पास हुआ आज तक भी एक भी लेटरिंग नहीं बनी 8 साल हो लिए एक भी बरामदा नहीं मिला मनरेगा का एक भी स्कीम के तहत एक भी आदमी नहीं लग पाया गाँव में 8-9 साल से पूरा गाँव हमारा गरीबी से जूझ रहा है और इन्होंने हमारी विधायिका से यही मांग करी थी विधायक बोली भाई करवा देंगे उसके बाद में ये लेटर लेकर चलिएगी इसका कुछ भी समाधान नहीं हुआ तो आज ये जो आदमी लुटे हमारा ताऊ जी तो इसके घर में
लेटरिंग नहीं है। क्या कंडीशन थी जब तक माए तो मेरे तो बताओ थे, वह कंडीशन एक बताओ। देख लो सारे गाँव वाले इकट्ठे हो रहे हैं, इनका फोन आया मेरे द्वारा, अकबला भाई नुनू बात होली। देखा भाई यहाँ लेटरिंग पड़ी थी जिस आदमी की, यहाँ भी दोबारा फिर फूका पाकि यहाँ से लेटरिंग उठवा कर जब बाहर डाली गई है तो इसकी यहाँ कोई लेटरिंग व्यवस्था नहीं है। हमारे गाँव में एक भी लेटरिंग नहीं है, किसी बुढ़े बुढ़े छोटे आज तक नहीं बनी है। और स्कीम में पता नहीं क्या क्या ड्राइवर कितनी लेटरिंग खाएगा, सरपंच खाएगा, विधायक खाएगा, मतलब लेटरिंग तक भी खाएगा, तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मतलब यह बात आगे सच हो डायलॉग नहीं मिला, तो लेटरिंग सरपंच खा गए, सही मारा खा गया भाई, सच्चाई मारा खा गए। वो कौन सा सरपंच था, कौन से प्लान का था? ये सुमन जिसने एक बार आप लोगों को पास करवाया फोटो भी ले रहे, सुमन वाइफ ऑफ देवेंद्र, जो इससे पहले सरपंच थी, सरपंच की धर्मपत्नी थी जी, और जिसका हमारे साथ प्रूफ है, सोनीपत में हमारा गांव नवाजा गया था, हमारा गांव नवाजा गया था जी, आगे गांव में तरक्की हुई, सबसे ज्यादा काम हुए। ये फोटो देख लो जी, मुख्यमंत्री के साथ में सरपंच साहब के फोटो है, ये अग भाई इसी गांव में इतना काम करवाया गया है। और आज ये हालात हमारे गांव की है, अग भाई एक गरीब आदमी तड़पता हुआ अपने घर में अकेला पड़ा है, जिसके घर में लेटरिंग भी नहीं है, तो आज ये सुविधा है, तो लेटरिंग खाएंगे कि नहीं खाएंगे जी, ठीक बात, कुछ भी हो भाई, इन ना इनके घर में नहीं चाहिए, किससे ना अपने घर में चाहिए, लेकिन एक बार इस व्यक्ति के तरफ ये बूढ़ा अटियो भाई साहब, ये बूढ़ा जो लौटा जिसका पानी भी इन आंडिया में मतलब टोकनी भी कौन है इनमें टेक रखा है, कि मतलब शर्म की बात है, इस बुढ़े खातर भी कुछ नहीं कर सकते। एक घर देख ले यो, इसका हवा महल बन रहा है, गर्मी हो जड्डा हो सब कुछ, पाड़ा भीतर बढ़ो, लू भीतर बढ़ो आड़े के, या कंडीशन इस घर की है। इस वीडियो में शेयर करो और कमेंट कर दो भाई, तब थोड़ी ही नू कर लो भाई, कितने आगे थी पहुंच जाओ, कमेंट की क्यों कहूँ, सिर्फ आगे थी पहुंच जाओ, बेरा पाट जाओ एक मतलब एक, ये जो हमारे सरपंच थे पूर्व सरपंच सुमन सरवा से पहले ईश्वर सरपंच है, तो इनके साथ में इनके मकान का फोटो उतरा आया है, तेरा मकान पास हो जाएगा, लेकिन इस बात ने भी 14-15 साल हो गए जी आज तक, आज तक इसका 14-15 साल पहले ये हालत थी, इससे दिखा दे पिछन कर, यह जगह है इससे जगह की हालत 14-15 साल में ये हालत जरूर बिगड़ी, लेकिन मकान पास नहीं हुआ, वो पीछे ने कौन खा गया, बड़ा सवाल है। और एक ये फोटो है जी, फिलहाल जो सुमन सरपंच ने जो हमारे गाँव में जो सुमन सरपंच को नवाजा गया था ना गांव में, इसके साथ में फोटो खिंचा हुआ है ये, तो आज तक 8 साल ही सरपंच ने बने ने भी हो लिए, तो इसने आज तक फोटो खिंचाने पाजा है लेना, फोटो खिंचाने पाजा लेना, अर नहीं लेना अर नहीं देना, इस तरह नहीं लेना अर नहीं देना, देना। सरपंचा ने ये सबूत ले तो के बोले ले तो के देना तो मतलब नहीं देवे भी है कागजा में देवे है समझो तुम बात ने खा गए एक एक घर ने भी खा गए और जो बनना था सब कुछ खा गए सीधे आरोप लगाऊं भाई बेशक केस कर लियो क्योंकि फोटो जब ये नु खिंचवाओ ना आके और ये दिखा दो ये दिखाओ फोटो ये सबूत है ये पुराने मन मेरा आप धमकी देंगे तेरे पे और ये इसके लटकड़वा दे फोटो खिंचवाया सरपंच साहब ने ये भी देख लो क्या सबूत नहीं है और इससे क्या सबूत बड़ा होगा जी आपका भी है? ये पूरे गांव के सरपंच फोटो खींचे हुए जी पुराने सरपंच के और नए सरपंच के मेंबरों के ये देखो गांव वाले भी आ रहे हैं तो 8-8, 10-10 साल, 15 साल पुराने फोटो हैं मतलब सरपंच खा गए मैं तो खा गए न्यू नहीं मेरा के खा गए तुम समझ लो लेटरिंग खा गए पीछे खा गए लेटरिंग तो के खाऊंगे पीछे खाएंगे उनके नागे भी ठीक बात 10 साल हो जी कोई सुविधा नहीं गाँव में मेरी तो लेटरिंग इस आदमी ने पहले संभालो और भी देखी जाएगी पहले इस आदमी ने संभालो ये जो 83 साल का बुढ़ा बड़े दुखी है जितनी भी सामाजिक संस्थाएं लटका डे रहे हैं बोला भैया हम हाँ एक बार आड़ा आओ और इन्हें संभालो फिलहाल इस वीडियो में शेयर कर दो गांव के और हैं दादा राम 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 लेना है थारे हाँ जी बीमार है इधर सख्त बीमार है कोई संभालने वाला नहीं इसको रोटी पानी का केवर कोई दे जा कोई ना नहीं खड़ा है जा है जी अच्छा हाँ कोई संभाल भूखा मेरे जागा अगर किसी टाइम पर संभालना है तो इन नेता है तो कहूँ देवेंद्र कादयान जी आपका बतेरा नाम सुने है बतेरा सब कुछ करो दुनिया खातर इस बुढ़े खातर कर दो ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जा रहा मेनू कह जो गाँव भाई हमने कह और हो गया हाँ जी हमने कहा अरे हो गया काम बिल्कुल भाई मैं उन तक क्योंकि उम्मीद है वो काफी लैपटॉप वगैरह दे हुए हैं जिस तो उम्मीद उससे कहीं जाया करे हालांकि हम जानते भी नहीं आज तक मिले भी नहीं हाँ लेकिन इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दो भाई यो बुढ़ा है इसकी हेल्प की जरूरत है नंबर एक बार फिर बता दू आड़ा आके सीधी हेल्प करनी पड़ेगी कॉन्टेक्ट नंबर एक बार फिर ले लो इस बुढ़े के पास यो बुढ़ा जो हमारा दादा है दादा समान है उसके दो राजेंद्र भाई पाओ राजेंद्र एक नंबर बोल दे दोबारा 98-13-18-22-49 भाई यो नंबर है राजेंद्र भाई का और बाकी मेरे द्वारा फोन कर लियो 99-66-101-93 मैं खुद भी आ जाऊंगा अगर कोई सही तरीके से हेल्प करेगा तो फिर इस वीडियो में शेयर कर दो थरा के कुछ कहना कमेंट कर बता दो मिला थर राम राम जय जवान जय किसान जय भगत।